वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ऐसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ जिसमें आपको बेसिक मेकअप की नॉलेज तो बिल्कुल नहीं है, वो नॉलेज तो हम आपको आगे दे देंगे, लेकिन पहले सबसे पहले हम बेसिक चीज़ पर आते हैं कि आपको फाउंडेशन के बारे में नहीं पता, आपकी टोन कौन सी है, आपको किस तरह का शेड यूज़ करना है, आपका की स्किन कैसी है, और आपको ऐसी कई सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमेशा अपने स्किन की जो आपकी टोन है आप उससे दो टोन अप फाउंडेशन यूज़ करें। एंड अब आप बोलेंगे मैम आपने तो सीधे फाउंडेशन बता दिया कि दो टोन का फाउंडेशन लें, पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फाउंडेशन कैसा है, किस कौन सा फाउंडेशन कौन सा ब्रांड का फाउंडेशन हम लें, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी टोन पे जाएगा या नहीं जाएगा। इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास, तो मैं आपको जो लोग बहुत ज़्यादा मेकअप प्रेफर नहीं करते हैं, बहुत कम मेकअप यूज़ करना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल भी मेकअप की नॉलेज नहीं है और उनका बेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन पाता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो हमेशा उनको ये प्रॉब्लम होती है कि मैम हमारा फाउंडेशन हमारा फेस ग्रे पड़ने लग जाता है। वो ग्रे पड़ने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप हमेशा अपने स्किन टोन से ओवर टोन का फाउंडेशन लगा लेते हो, और जब आप गली की पार्लर वाली आंटियों के पास जाते हो वो भी आपको क्या करती हैं कि आपकी शेड का फाउंडेशन से थोड़ा अप कर देते हैं, क्योंकि हमारी मेंटालिटी ही ये है कि मेकअप का मतलब होता है गोरा होना। जी नहीं, मेकअप का मतलब गोरा नहीं होना होता है, मेकअप आपको सुंदर बनाता है ना कि भूत बनाता है, और भूत बनने का रीज़न सिर्फ यही होता है कि हम हमेशा गलत टोन का फाउंडेशन यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा गोरे होने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रे लगने लगते हैं, फिर हमें शिकायतें होने लगती है हमारा फाउंडेशन ग्रे क्यों हो जाता है, हमारा फेस ग्रे लगने लग जाता है, पिक्चर में हमारा फेस बहुत डल लग रहा है, क्योंकि जो ओवरटोन का फेयर फाउंडेशन होता है वो आपको एकदम से गोरा बनाता है, और देन धीरे 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 आफ्टर 1 आवर 2 आवर आप उसमें ग्रे आने लगते हो, बिकॉज ब्लैक थोड़ी डार्कनेस है आपकी। इंडियन जो स्किन तो होती है वो वार्म स्किन होती है, वार्म टोन स्किन होती है, तो वार्म टोन पे कभी भी फेयर शेड नहीं जाते, वार्म टोन के ही फाउंडेशन जाते हैं। आप जब भी फाउंडेशन लेने जाएं तो शॉपकीपर को हमेशा ये बोलिए कि हमें वार्म टोन का ही फाउंडेशन दिखाइएगा। वो बोलेंगे मैम ये वाला फाउंडेशन जाएगा, वो वाला फाउंडेशन जाएगा। जी नहीं, आपको सिर्फ यही बोलना है कि हमें वार्म टोन का फाउंडेशन दीजिए, और वार्म टोन में आपकी कौन सी स्किन पे आपके को कौन सा बेस्ट सूट करता है आप वो देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको प्रेफर करूँगी कि बेस्ट अफोर्डेबल फाउंडेशन, एंड सबसे बड़ी बात कि आपकी स्किन से मैच करता हुआ फाउंडेशन ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी, ताकि आपका मेकअप अगर आप खुद भी करना चाहो तो वो मेकअप कभी ग्रे ना पड़े और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो स्पेशली जो मैं यूज़ करती हूँ, जो मैंने अभी यूज़ किया है, वो है फिट मी का फाउंडेशन। मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन मैं यूज़ करती हूँ, और मैंने ये अभी यूज़ किया हुआ है। मेरा शेड है 128, आप अपना कोई भी शेड ले सकते हो। मेरे पास ये 3 फाउंडेशन है, अब आप 3 फाउंडेशन मत परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि ये फेयर है, मीडियम है और डार्क है। बिकॉज ऑफ की आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मेरे को ये 3 तरह के फाउंडेशन रखने होते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी ये फाउंडेशन है, आपके पास मीडियम फाउंडेशन नहीं है, तो आप फेयर एंड डार्क को मिक्स करके आप अपने लिए बेस्ट फाउंडेशन बना सकते हो। और अब आप सोचेंगे कि मैम आप हमें मेबेलिन फिट मी का ही फाउंडेशन क्यों सजेस्ट करो, आप लैक्मी का भी सजेस्ट कर सकते हो, आप और दूसरे फाउंडेशन भी सजेस्ट कर सकते हो। लैक्मी का फाउंडेशन के अलग यूजेस हैं, एंड मेबेलिन फिट मी के फाउंडेशन के यूजेस अलग है। ये देखिए, सबसे पहले तो आपकी स्किन टोन में मिल जाएगा आपको ये, एंड इसके 14 शेड्स अवेलेबल है, और फाउंडेशन आप लेने जाएंगे उसमें आपको इतने सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे। इसमें 14 शेड्स अवेलेबल है जो आपके शेड को इजीली मैच करेगा। ये ऑल स्किन टाइप है, आप इसको ऑल स्किन पे यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल टू ऑयली स्किन तक जाता है। और अब आप बोलेंगे कि हमारी स्किन तो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मतलब ये तो हमारे लिए नहीं है। जी नहीं, ये आपके लिए ही है, आप भी यूज़ कर सकते हो इसे, लेकिन उससे पहले आपको अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना होगा, ताकि आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। तो जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं या ब्लैक स्पॉट्स हैं, वो इस फाउंडेशन को यूज़ ना करें, बिकॉज ऑफ वो इस फाउंडेशन ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि हमें फुल कवरेज मिल जाए। तो जी नहीं, ये फुल कवरेज नहीं देता है, ये आपकी स्किन को दो टोन अप करके सुंदर बनाएगा, बट फुल कवरेज के लिए ये फाउंडेशन नहीं है। फुल कवरेज के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट फाउंडेशन सजेस्ट करूंगी जो आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए हम अभी इसी के बारे में बात करते हैं। ये ना तो ज़्यादा लेट्स टेस्ट, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है, एज यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है। आप इसको ऐसे टैप टैप करके भी अपनी स्किन पे कर सकते हो। आपको किसी भी तरह का एक्सपेंसिव स्पॉन्ज या ब्लेंडर यूज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जिनको लगता है कि हम ज़्यादा फाउंडेशन लगाएंगे तो वो निकलने लगेगा और बहुत ज़्यादा एक लेयर सी दिखने लगेगी। पहली बात तो ये कोई थिक लेयर नहीं बनाता है, ये बहुत सॉफ्ट लेयर बनाता है, बहुत ही सॉफ्ट। आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने जस्ट नॉर्मल क्रीम लगा रखी है। एंड सबसे बड़ी बात है कि स्किन में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होता है। और आप इसको फिंगर के उससे भी आप इसको टैप टैप करके आप इसको सेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर सोच रहे हैं कि ये समर्स में जाएगा, रेनी सीजन में जाएगा, समर्स में तो जाएगा बट रेनी सीजन में क्या होगा, आप इसको लगाकर अगर बाहर बारिश में जाते हैं तो आपका फाउंडेशन निकल सकता है। वेरी सॉरी, ये सुनकर आपको बहुत बुरा लगेगा लेकिन जो सच्चाई है मैं आपको सच्चाई ही बताऊंगी। ये फाउंडेशन निकल जाएगा। तो आप इस फाउंडेशन को कवर करने के लिए मेकअप फिक्सर लगा सकते हो। मेकअप फिक्सर तो मेकअप को फिक्स करने के लिए होता है, तो एंड में आप इसको फिक्स कर सकते हो, बट ये 4-7-8 तक ही, 8 आवर्स तक ही जाएगा। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करते हो तो जो आपने वियर किया होगा फाउंडेशन वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। आप इसको किसी भी तरह कैसे ब्लेंडर से करना चाहो, अगर आप आर्टिस्ट हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, तो आपके पास ब्लेंडर तो ऑफकोर्स हो गई, आप इससे ब्लेंड कर सकते हो। आपके पास कुछ इस टाइप का फ्लैट ब्रश है तो आप इससे ईजिली इसको ऐसे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपको इतने सारे सजेशंस तो दे दिए, आपको अपनी टोन का फाउंडेशन कैसे चूज करेंगे? आपको अपनी टोन का फाउंडेशन यूज करने के लिए आप जब शॉपकीपर के पास जाएंगे वो आपको यहाँ पे टेस्ट कराते हैं इस साइड पे। अब आप अपने हाथ को अपने फेस की तरफ लाइए कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी ये वाली स्किन आपके फेस की स्किन से मैच करती है? नहीं ना, बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तो आपको ये क्वेश्चन पुट करना चाहिए कि यहाँ पे टेस्ट की हुई फाउंडेशन आपके फेस के शेड पर कैसे जाएगी। तो आप शॉपकीपर को जब भी फाउंडेशन लें उनको यही सजेस्ट करना कि नहीं सर, आप हमें हैंड पे टेस्ट ना कराने के बजाय आप हमें स्किन पे टेस्ट कराइए। अब आप स्किन पे कैसे टेस्ट करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। आपको फाउंडेशन लेना है, ओके, आप अपनी फिंगर टिप पे फाउंडेशन लगाइए, नेक से लेके यहाँ तक इस टाइप से आप लगाइए, आपके स्किन पर ये मैच होगा। अगर आपके स्किन पे ओवर जा रहा है बहुत ज़्यादा, ये देखिए ये मेरा ही शेड है, अगर मैं इसको लगा के इसको ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से तो देखिए ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। मुझे इस पे ज़्यादा कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं है अपने ब्लेंड पे, ये इजीली ब्लेंड हो जाएगा बिकॉज ऑफ ये मेरा शेड है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ओवर शेड का फाउंडेशन। ये देखिए आप बड़े प्यार से देखेंगे कि ये देखो ब्लेंड हो गया ना ब्लेंड। ऐसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो इजीली ब्लेंड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप जब ओवर टोन का जो फाउंडेशन लेते हैं गोरे होने के लिए स्पेशली, उसके क्या नुकसान होते हैं। ये ओवर टोन का फाउंडेशन है, मेरी स्किन पे बिल्कुल नहीं जाएगा। ये ओवर टोन का फाउंडेशन मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने फाउंडेशन लिया, ये देखिए ये है ओवर टोन का फाउंडेशन, ये मैंने लगाया। अब ये क्या करेगा, मुझे एकदम से गोरा बना देगा और मैं खुश हो जाऊंगी, वाओ मैं तो गोरी हो गई। ऐसे ही आप खुश हो जाते हैं जब आपको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं होती है मेकअप की, तो थोड़ी देर के लिए तो आप खुश हो जाएंगे और पार्लर वाली आंटी को पैसे देकर आ जाएंगे बहुत सारे। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, आप जब पिक्चर क्लिक करवाने जाएंगे बाद में, आप अपनी पिक्चर्स को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा आपका फेस डल लग रहा है, बहुत ज़्यादा डल, और फेस ग्रे होने लग गया है। तो ये नुकसान होते हैं सेम स्किन टोन का फाउंडेशन और ओवर स्किन, जो आपको ओवर टोन है उस पर जाएंगे तो यही होगा। मैं इसको ब्लेंड करती हूँ, ये देखिए ये ब्लेंड होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक लेयर चढ़ा ली है बहुत हैवी सी। तो जो लोग मेकअप इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते वो लोग इतनी हैवी फाउंडेशन लेयर्स को लगा के बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करेंगे। इवन मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर है और ये आपकी स्किन पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप इसको कितना भी ब्लेंड कर लो, अगर आप इसको अभी तो मे बी कैमरे में इतना क्लियरली ना दिखे बट स्टिल आप इसको कभी ट्राई करना, अपने स्किन का फाउंडेशन लेना और ओवर स्किन टोन का फाउंडेशन लेना जो बहुत फेयर हो, उसमें आपको बहुत ज़मीन आसमान का फर्क दिख जाएगा। अगर आप मेरी तरह सुंदर दिखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सजेस्ट करती हूँ मैं आप ये फाउंडेशन ले लीजिए,
ये रेगुलर फाउंडेशन है, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। पहली बात तो मैं बस सजेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज आप लोगों ने मुझे इतने क्वेश्चंस पुट किए कि मैम आप फाउंडेशन बताइए, आप कौन सा फाउंडेशन लगाते हो, आपकी स्किन इतनी फ्लॉलेस दिखती है, आपकी वीडियोस में आप बहुत सुंदर लगते हो, तो मैं यही फाउंडेशन लगाती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये मुझे बहुत हैवी लेयर नहीं देता है, बहुत स्मूथ मेकअप देता है, तो मैं इसीलिए आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी। आप ये फाउंडेशन विदाउट एनी डाउट अपने शेड का फाउंडेशन ले सकते हैं और मेकअप कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि फुल कवरेज फाउंडेशन के यूज़ कैसे हैं, किस तरह से यूज़ करें। अभी फ़िलहाल आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे बताइए, और आपको क्या क्या चाहिए मेकअप से रिलेटेड वो भी मुझे नीचे कमेंट में लिखिए। जिन लोगों को मेकअप की नॉलेज नहीं है और उन्हें पता नहीं है कि उनके शेड का फाउंडेशन कौन सा है, तो ये वीडियो उनके लिए है, और उनको शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।